बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब बच्चों को हो चुकी हैं और हमारी शामत का टाइम आ गया है। तो मैंने बच्चों को किस तरह इन छुट्टियों में इंगेज किया और मेरे बच्चे किस तरह मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप देखेंगे आज की वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी छुट्टियां हैं, तो हम लोग कैसे छुट्टियों में अपनी मम्मा की मदद करते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। तो आपने क्या रोजा रखा हुआ है सना? नहीं है आपने हंसना नहीं है, स्माइल नहीं करना चलिए बताएं आप कैसे हेल्प करते हैं हमारी। आप घर गंदा करते हैं या आप हेल्प करते हैं? हेल्प करते हो, गंदा नहीं करते लॉन्ड्री बॉक्स में डालूंगी, फिर बाद में मैं ये चीजें ठीक मैं पूरी ये पूरे सोफा झटक लूंगी, फिर बाद में हम लोग उस को भी करेंगे। तो अब हमने ये वाले सोफे कर लिया, अब हम लोग दूसरे करेंगे। पहले मैं सारे सोफे झाड़ के इनके कुशन ठीक कर दूंगा। मेरे शतकू क्या काम कर ला है? शाना बच्चा, मम्मा का जानू है ना जी, ये मम्मा का जानू है ना, क्लीन अप कर रहा है। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यम्मी यम्मी, टम्मी टम्मी। ये कौन है, ये कौन है पाला शजानू? ओए मेरे बच्चों में, ओए जान लो जी, ये क्या किया आपने? ये तो बहुत ही गंदी बात हो गई है, फिर क्लीन अप करेंगी आप? फिर दोबारा क्लीन अप करेंगी? ये तो आपने गेम बनाई हुई है, बास्केट में डालना है फिर उनको फेंकना है, फिर उनको डालना है फिर उनको फेंकना है। ये सॉफ्ट से वो जो नहीं होते ब्लॉक्स, वो हैं, इनमें मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई हैं, कुछ में टर्टल बना हुआ है, ये देखिए इस पर, इसमें डॉग बना हुआ है, और बच्चों ने ये काफ़ी हद तक जो ये देखें, इसमें फॉक्स था, शायद फॉक्स था या वो कैंगरू था, हाँ कैंगरू था, और इसमें फॉक्स था, आउले फॉक्स है, मतलब मुख्तलिफ जानवर जो है ना, ये देखें वुड कटर है, वुड पैकर है, क्या होता है वो, फिर आ गया जी बंदर यानी कि मंकी, और पूमा आ गया, ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं बच्चे से ना, ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये मैट बनता है पूरा, इस पर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और जी बहुत ही ना बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, आपको बच्चे गिरे पड़ेंगे कोई चोट भी नहीं लगेगी। बेसिकली छोटा सा मैट है, किसी वक्त ये भी आपके साथ शेयर करूंगी कि बनता कैसे है। बच्चे तो अब आपको पता है बखेरना ही जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते। क्लीन अप क्लीन अप, एवरीबॉडी क्लीन अप, गुड जॉब गुड जॉब। अभी हम लोग वैक्यूम लेकर आएंगे और वैक्यूम करेंगे, फिर हम लोग पोछा मारेंगे, मम्मा की हेल्प करेंगे।
अभी हम लोग ये कमरा ठीक करेंगे, फिर हम लोग बाद में पहुंचे। मैं हेल्प कर रही हूँ मम्मा की किचन में। ये देखें सफा बना रही है, यहाँ पे पत्ती डाल रही है चाय में। इन दोनों की फरमाइश थी कि वो रोटी थी वाइट, तो हमें उसके साथ चाय दे दें, तो बस ये वही अभी खा रहे हैं, रात का खाना है इनका ये। अब मैं 2 चम्मच में इसमें शुगर डालूंगी। चीनी बच्चे के साथ ही डालना, वैसे मैं बाद में डालती होती हूँ। जी यहाँ पर जितनी देर चाय बन रही थी तो सफ़ा इंसिस्ट कर रही थी कि मम्मा ये बर्तन मैंने धोने। मैंने कहा नहीं, ये बर्तन आपके धोने के नहीं है, चाय के कप्स वगैरह मैंने बोले थे कि शाम को अगर चाय हो जिस तरह, या रात को अगर बने तो कप्स वगैरह अगर हों तो बेटा आप धो लिया करो, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आदत रहे ना काम करने की। तो बस फिर सफ़ा इंसिस्ट कर रही थी तो वो धोने खड़ी हो गई। यहाँ पर आटा मैंने धूप में रखा था तो वो छानना था, तो वो भी ये ज़िद कर रहे थे, तो फिर मंतशा उठा के लाई गई। तो सफ़ा ने भी छाना है, बीच में मंतशा ने भी कहा कि मैं भी छानूंगी, मिल के उन्होंने छाना है, क्योंकि आपको पता है गर्मी होगी तो हर चीज़ ख़राब हो रही है। तो सुबह मैंने सूजी भी रखी थी धूप में और आटा भी रखा था। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर माई वीडियो योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।